हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के लिए प्रैक्टिसेस सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हमेशा की तरह 15 नंबर के गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और 15 मार्क्स के हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 126 तक को सॉल्व करने के लिए हमें निर्देश दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो पढ़ते हैं इसको। लिखा है, कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं वंफला गई है, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समसी का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की उद्विन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है, इसलिए जब कीमत अदा कर दी ही गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर के रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे, पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा उनका अहर्निशि जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत सागर के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा और इन्हीं दोनों का गौरव जगत जननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमांत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते हुए ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। तो इस टाइप के जो पैसेज होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए आपको ये देखना है कि आप इसको केयरफुली एकदम ध्यान से पढ़ो और फिर उसके उत्तर एकदम अच्छे से आप देखो, क्योंकि अगर आप इसको फटाफट से पढ़ लोगे तो आंसर जो है आपके वो थोड़े थोड़े के कारण गलत हो जाएंगे, इसलिए हम इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई है, से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो लेखक ने जो यहाँ पे बात कही है उनका तात्पर्य क्या है, क्या आशय है उनका। फर्स्ट ऑप्शन है, मंगल के दिन प्रभात की कल्पना की थी। सेकंड है, मंगल की रात बहुत काली थी। थर्ड ऑप्शन है आपका, श्री राम के राज्य अभिषेक की कल्पना की थी परंतु श्री राम को वनवास मिल गया। एंड फोर्थ ऑप्शन है, अमंगल दिन की रात हो गई। तो इस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आशय क्या है, करेक्ट हो जाएगा 121 का हमारा ऑप्शन 3, श्री राम के राज्य अभिषेक की कल्पना थी परंतु श्री राम को वनवास मिल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 122, जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया, ये पंक्तियाँ लेखक ने किसके लिए कही है। फर्स्ट ऑप्शन है युधिष्ठिर के लिए, सेकंड अर्जुन के लिए, थर्ड श्री राम के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है भीम के लिए। तो युधिष्ठिर अर्जुन एंड भीम का तो जिक्र ही नहीं किया गया है इस गद्यांश में, सिर्फ राम का जिक्र है। तो 122 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, श्री राम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123, घर मसान हो गया है, से लेखक का क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है घर खंडहर हो गया है, सेकंड है घर सुंदर हो गया है, थर्ड ऑप्शन है घर में भूतों का डेरा हो गया है एंड फोर्थ ऑप्शन है घर शमशान हो गया है। तो घर मसान हो गया है यह कहकर लेखक क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं, करेक्ट होगा 123 का हमारा ऑप्शन 3, घर में भूतों का डेरा हो गया है, क्योंकि अगले वाले लाइन में उन्होंने इस बात को क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 124, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका निष्कर्म, सेकंड है अपकर्ष,
थर्ड है अपियस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अनस्वर। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है? 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन टू अपकर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। राम भीगे तो भीगे, राम की उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, इससे आशय क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है राम भीग जाए, सेकंड है राम की कल्पना भीग जाए, थर्ड है राम राज्य की कल्पना ना भीग पाए एंड फोर्थ ऑप्शन है राम राज्य की कल्पना तथा राम का यश समाप्त न हो। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, इसका तात्पर्य क्या है, आशय क्या है? करेक्ट होगा 125 का हमारा ऑप्शन फोर, राम राज्य की कल्पना तथा राम का यश समाप्त न हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126। राम द्वारा निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है, यह लेखक ने क्यों कहा? फर्स्ट ऑप्शन है राम का निर्वासन समाप्त हो जाता है, सेकंड है सीता का निर्वासन प्रारंभ होता है, थर्ड है राम तो लौटकर राजा होते हैं पर रानी होते हुए ही सीता राम द्वारा वन में छोड़ दी जाती हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है रावण द्वारा सीता का हरण किए जाने की वजह से। तो यहाँ जो लेखक ने कहा है कि सीता का दोहरा निर्वासन हुआ है वो क्यों कहा है? करेक्ट होगा 126 का हमारा ऑप्शन थ्री। अभी थोड़े दिनों पहले ही हम लोगों ने रामायण देखी है तो मुझे नहीं लगता कि इस गद्यांश को उतना समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे जब भी आप गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन देखो तो एकदम केयरफुली उसको रीड करो, अच्छे से करो, लेकिन चूंकि ये जो यहाँ पे जो अपठित गद्यांश दिया गया है वो हमारे मतलब हम जो बचपन से देखते आए हैं उससे रिलेटेड है तो काफ़ी इजी सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 से लेकर 135 को सॉल्व करने के लिए हमें वापस से गद्यांश को रीड करना है और फिर उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है रहीम ने जीवन की इसी इंद्रधनुष को पानी के कतरे कतरे में उगते देखा था, वही मोती की आप बनकर उनकी श्री शोभा और मूल्यवता बढ़ाता है, आदमी में यही तेजस्वी स्वाभिमान उर्वर पौरुष और करुणा की आदरता बनकर उदीप्त होता है, आटे में यही रस बनता है स्वाद बनता है, रोटी बनकर भूख की आग को बुझाता है। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने वाष्प की एक बूंद नुमा आकृति देखी और उनके चेहरे चमक उठे, पानी जीवन की निशानी है, पानी जीवन का पर्याय है, पानी से ही जीवन जागृत होता है। उपनिषद की दृष्टि कहती है कि इस संसार में पहले कुछ नहीं था, वो फच भी नहीं था, पानी ही पानी था, पानी का पारावार उससे ही हिरण्यगर्भ ने जन्म लिया, ऋषि का सृष्टि का विकास हुआ और प्राणियों की श्रृंखला चल पड़ी। कबीर का दार्शनिक भी यही कहता है कि जल में वो फंप और वो फंप में जल है, ऊपर नीचे पानी, फूफटा वुफंप जल जल ही समाना, यह तथ्य कैथो ज्ञानी। जल में ही जीवन की ज्योति जगती है, अतः किसी ग्रह पर एक बूंद नुमा वाष्प का अभ्यास हो जाना ही वहाँ जीवन की आर्द्रता की अस्वस्थी है, वहाँ कोई न कोई है, बैक्टीरिया का परमाणु प्रमाण जीव जैसा वुफज भी वहाँ हो सकता है अपनी लीला रचे हुए, जल की एक वाष्प बूंद भी जीवन लीला के विकास संभावनाओं के सपने को संजोए रहती है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा, गद्यांश में लेखक ने किसके महत्व का वर्णन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है पानी, सेकंड मोती, थर्ड स्वाभिमान एंड फोर्थ ऑप्शन है आदमी। तो इसमें लेखक ने किस चीज़ का बार बार जिक्र किया है? अभी हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बार बार पानी का महत्व बताया है और पानी का जिक्र किया है, ऑप्शन वन जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा, मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने क्या देखा? फर्स्ट ऑप्शन है जमीन, सेकंड मोती, थर्ड दूसरे ग्रह के लोग एंड फोर्थ ऑप्शन है वाष्प की एक बूंद नुमा आकृति। तो मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने क्या देखा? करेक्ट होगा 128 का हमारा ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 129। लेखक ने जल को किसका पर्याय माना है? फर्स्ट ऑप्शन है पानी, सेकंड जीवन, थर्ड वाष्प एंड फोर्थ ऑप्शन है नदी। तो लेखक ने जल को किसका पर्याय माना है? करेक्ट होगा 129 का हमारा ऑप्शन टू जीवन। क्वेश्चन नंबर 130, पानी का पारावार में पारावर शब्द संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकेंड पारा, थर्ड भंडार एंड फोर्थ ऑप्शन है वार।
करेक्ट होगा 130 का ऑप्शन थ्री भंडार। क्वेश्चन नंबर 131, उपनिषद का ऋषि क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन है, इस संसार में पहले जल के सिवाय कुछ नहीं था। सेकंड है, जल से ही हिरण्यगर्भ ने जन्म लिया। थर्ड ऑप्शन है आपका कि जल से सृष्टि का विकास हुआ और प्राणियों की श्रृंखला बनी। एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो उपनिषद के अकॉर्डिंग आपको बताना है जो कि इस गद्यांश में लिखा गया है। करेक्ट होगा 131 का आपका ऑप्शन फोर, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133, ज्ञानी का तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानी, सेकंड ज्ञानी, थर्ड ज्ञानी एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान। तो ज्ञानी जो लिखा गया है यहाँ पे, उसका तत्सम रूप क्या होगा? 133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, ज्ञानी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134, चेहरे चमक उठे मुहावरे का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है चेहरे चमकने लगे, सेकंड है चेहरे पर रोशनी पड़ने लगी, थर्ड है चेहरे पर खुशी झलकना एंड फोर्थ ऑप्शन है खुश होना। तो चेहरे चमक उठे, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा 134 का आपका ऑप्शन थ्री, चेहरे पर खुशी झलकना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 135, वैज्ञानिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान, सेकंड क, थर्ड इक एंड फोर्थ ऑप्शन है वी। तो वैज्ञानिक में जो प्रत्यय यूज किया गया है वो कौन सा है? 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थ्री, इक। क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 150 तक को सॉल्व करने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, सेकंड है अंग्रेजी होना चाहिए, थर्ड है उर्दू होना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। उनकी मातृभाषा में अगर हम उन्हें पढ़ाते हैं तो वो जल्दी समझ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ऑप्शन फोर हमारा सही होगा। क्वेश्चन वो 137 देखेंगे, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कथा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कविता दोहराने, सेकंड है कहानी सुनने, थर्ड है कार्यपत्र को एंड फोर्थ ऑप्शन है परस्पर अंतक्रिया। तो वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित जो कक्षा होगी उसमें किस बात पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा? करेक्ट होगा 137 का आपका ऑप्शन फोर, परस्पर अंतक्रिया। क्वेश्चन वो 138 है आपका, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड रचनात्मकता, थर्ड भाषा प्रयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अनुकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139, भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनने बोलने सोचने, सेकंड है पढ़ने लिखने संप्रेषण, थर्ड है सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने एंड फोर्थ ऑप्शन है पढ़ने लिखने समझने। करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का हमारा ऑप्शन थ्री, भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से जो तीन ऑप्शंस हैं वो हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, जो एक नहीं है उसे चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, सेकंड है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, थर्ड है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना एंड फोर्थ ऑप्शन है सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो है ऑप्शन फोर, सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, यानी कि उसको याद करना और जैसे हमने सुना है वैसे ही उसको प्रकट कर देना। तो याद करना जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन फोर जो है हमारा वो सही होगा, यह हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 141, कक्षा अध्यापक द्वारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना किस विधि से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है जाँच विधि, सेकेंड संचयी आलेख, थर्ड ऑप्शन है आपका निरीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है रेटिंग स्केल। तो रिपोर्ट कार्ड जो तैयार करना है वो किस विधि में संबंधित है, किस विधि से रिलेटेड है? करेक्ट होगा 141 का हमारा ऑप्शन टू, संचयी आलेख। क्वेश्चन वो 142 देखेंगे,
सौरभ कक्षा में बोलते समय झिझक महसूस करता है। एक शिक्षक की दृष्टि से आप उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑप्शन है उसे प्रश्न ना पूछकर, सेकेंड है उसे अधिक से अधिक बोलने का कार्य देकर, थर्ड है उसे अधिक बोलने की सलाह ना देकर, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषिक क्रियाकलापों में शामिल ना करके। तो सौरभ एक स्टूडेंट है जो बोलते समय झिझकता है, यानी कि दूसरों के सामने बात करने में उसे परेशानी होती है। तो एक टीचर के रूप में आप इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? करेक्ट होगा 142 का हमारा ऑप्शन 3, उसे अधिक बोलने की सलाह ना देकर। क्वेश्चन वो 143 है हमारा, किन बच्चों को भाषा सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती? फर्स्ट है तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को, सेकंड है सामान्य बुद्धि वाले छात्रों को, थर्ड है कम बुद्धि वाले छात्रों को, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका निजी विद्यालय के छात्रों को। तो वैसे बच्चे जिनको भाषा सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती है वो कौन से होते हैं? करेक्ट होगा 143 का ऑप्शन 1, जो बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं उनको भाषा सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे हम, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सस्वर, सेकंड मौन, थर्ड सामूहिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिक। तो पढ़ने की संस्कृति में जिस कौशल को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है वो कौन सा है? करेक्ट होगा 144 का आपका ऑप्शन 1, सस्वर वाचन, यानी कि बोल बोल कर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 145 है हमारा, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सेकंड है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, थर्ड है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। तो यहाँ पे भाषाई कौशलों के संदर्भ में जो कथन सत्य है उसे चूज करना है आपको। करेक्ट होगा 145 का हमारा ऑप्शन 2, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है छोटी रचनाएं, सेकंड है रोचक विषय वस्तु, थर्ड है रंगीन चित्र, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सरल जानकारी। तो प्राइमरी लेवल पे बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन करते हुए उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से? करेक्ट हो जाएगा 146 का हमारा ऑप्शन 2, रोचक विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे पात्र हो, सेकंड जिसमें दो ही पात्र हो, थर्ड है जिसमें शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, एंड फोर्थ ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो। तो यहाँ पे 1 और 2 इन दोनों क्लास के बच्चों के लिए आपको वैसी कहानी चूज करनी चाहिए जिनमें शब्दों वाक्यों और घटनाओं की शैली चित्रात्मक हो और उनमें इन शब्दों का वाक्यों का दोहराव हो ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सेकंड है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, थर्ड है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से? फटाफट से बताइए। करेक्ट हो जाएगा 148 का हमारा ऑप्शन 4, बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 149, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय बर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, सेकंड है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, थर्ड है उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन है शब्दों को सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर आप ऐसा करवाओगे तो कोई भी त्रुटियाँ उनसे नहीं होगी और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अगर उनसे कोई गलती होती भी होगी तो वो सुधार लेंगे। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होती? फर्स्ट ऑप्शन है अखबार, सेकंड विज्ञापन, थर्ड साइन बोर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला। तो ऑब्वियसली भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन जो है वो भाषा प्रयोगशाला पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो सही हो जाएगा।
उम्मीद करती हूँ आपके 25 मार्क्स जरूर आए होंगे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।